नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचबीएन न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें नॉन स्टॉप। चीन से नाराज अमेरिका, अब चीनी छात्रों का वीजा रद्द कर सकता है। थिंक टैंक के अनुसार चीन के प्रयासों को रोकने के लिए भारत अमेरिका को बनानी चाहिए योजना। इमरान खान का बयान, कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया को समग्र समाधान निकालना होगा। चीनी मीडिया ने कहा, भारत चीन को गतिरोध दूर करने के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं। नेपाल की कांग्रेस ने केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई, नक्शे पर होगी बात। चीन का मुकाबला करने के लिए G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल हुआ अमेरिका। ईरान को मिल रही सभी रियायतें खत्म करेगा अमेरिका, तनाव बढ़ने के आसार। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन बन भी जाए तब भी हो सकता है कोरोना कभी खत्म ना हो, जैसे HIV और चिकन पॉक्स आदि है। जिम्बाब्वे और मलावी के क्वारंटीन केंद्रों से भागे सैकड़ों लोगों की तलाश तेज, कई कोरोना संक्रमित। रिपोर्ट का दावा, कोरोना वायरस महामारी 2020 के अंत तक 8.6 करोड़ बच्चों को गरीबी में धकेल सकती है।